साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के कलश को ट्रेन के जरिए बेंगलुरु से गुलबर्गा लाया गया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को ट्रेन के जरिए कलश में बेंगलुरु से गुलबर्गा लाया गया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के कुछ हिस्से को जिला बिदर के औराद तालुके के संगम में विसर्जन किया जाएगा। इस मुनासिबत से साबिक वजीर आजम की अस्थियों को ट्रेन के जरिए कलश में बेंगलुरु से गुलबर्गा लाया गया। कलश को रेलवे स्टेशन से जुलूस की शक्ल में एक खुली गाड़ी में निकाला गया। शहर के मेन रोड से होता हुआ ये जुलूस बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंचा। रास्ता तमाम अवाम ने साबिक वजीर आजम की अस्थियों के कलश पर अकीदत से फूल बरसाए, अटल जी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान शहर के मेन रोड की ट्रैफिक को दूसरी जानिब मोड़ दिया गया था। इसके अलावा जुलूस को पुरअमन बनाए रखने के लिए पुलिस ने रास्ता तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। पार्टी ऑफिस से होता हुआ ये जुलूस शाहबाजार से अलंग के लिए रवाना हुआ, वहां से बिदर के लिए रवाना हुआ। साबिक वजीर आजम की अस्थियों के कलश का दर्शन करने के लिए रास्ते में अवाम की काफी भीड़ देखी गई। अस्थियों के कलश के साथ बिदर एमपी भगवंत खोबा और गुलबर्गा जुनूब एमएलए दत्तात्रेय पाटिल और एमएलसी बीजी पाटिल और दीगर मौजूद थे। एटीवी के लिए गुलबर्गा से आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट।